और हम लोग जा रहे हैं, मैं वहीं हूँ, मैं वहाँ चल के आप लोगों को मिलवाऊंगी उन सब लोगों से। मैंने देखिए ग्लास लगा लिया है, भूख हाय करो, हाय कम से कम बाय करो, अब जा रहे हैं तो बाय करो सब लोग, तुमको जीजन बुलाया ही नहीं। घर में तो कोई आएगा नहीं। छत के फूल कितने बड़े बड़े खिले हुए हैं, गुलाब के देखिए, बहुत बड़े बड़े गुलाब के फूल खिल रहे हैं इस समय। इस समय सीजन है गुलाब का, और ये वाइट गुलाब है। और देखिए फ्रेंड्स इस समय कितने से फूल खिले हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे। मोहन गुलाब का फूल पूरा पूरा ही भर गया। ये है फूल, गुलाब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए सुबह सुबह का समय है और मैं थोड़े सा झुरकुल बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने पहले पेठा मंगवाया था तो ख़राब निकल गया था, तो बाद में मुझे थोड़ा सा छोटा सा पेठा मिल गया था, तो मेरी दाल भीगी रखी हुई थी, तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि होली का समय है और मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं नीचे आ गई हूँ बड़ी तोड़ के, और मुझे थोड़े से बड़े बनाने थे। मैंने काजी बड़े का पानी रख दिया था, बेटे को बहुत पसंद है, तो हमेशा मैं थोड़े से बनाती ज़रूर हूँ, क्योंकि वो कहता रहता भले खाएं या ना खाएं, लेकिन उनको रहता है कि बड़े बना लो मम्मी। तो मैंने बहुत थोड़ी सी दाल रोकी थी काजी बड़े के लिए, और पानी मैंने दो दिन ही पहले रखा था, और आज होली का अगला दिन है तो मैं आज के दिन बना रही हूँ बड़े। फ्रेंड्स आज हम लोगों को शाम को कहीं जाना है, और आज होली का दूसरा ही दिन है, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, फुल वॉच करके देखिए। होली के अगले दिन ही हम तीनों लोग स्कूटी से कहाँ के लिए निकल पड़े, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, आपको आगे पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ के लिए निकल रहे हैं। मैं क्यों जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ आज, जबकि आज घर में भी गेस्ट आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जाना ज़रूरी है, तो हम लोग आज जाएंगे। और फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक, और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है आज का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अपनी बेटी के ससुराल में, बेटी भी इस समय वहीं है। मैं वहाँ चल के आप लोगों को मिलवाऊंगी उन सब लोगों से। मैंने देखिए ग्लास लगा लिया है, धूप का है ये, जैसे कि धूप हो गई है। हम लोग स्कूटी से जाएंगे कार, क्योंकि अमार जी ले गए थे उस दिन जब गए थे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स ये सनग्लास मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मैं बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना ही नहीं होता ऐसे धूप में, और आज मैं जा रही थी स्कूटी से तो मैंने लगा लिया है। अच्छा तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग बेटी की ससुराल पहुँच चुके हैं, और बेटी वहीं पे है इस समय, और देखिए मेरे बाल कितने उलझ गए हैं, क्योंकि हम लोग स्कूटी से गए थे तीनों लोग। बेटा कह रहा था कि मैं ऑटो से चला जाऊँगा, लेकिन फिर हम लोग आराम से चले गए थे, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं हुई थी। और देखिए बेटी खाने की तैयारी कर रही है, पहले ही उसने बोल दिया था कि खाना आप लोग को यही खाना है। देखिए तो दादी बैठी हुई है, पूरी बना रही है, तो पूड़ियाँ तली जा रही है, इधर इधर खाना लगाया जा रहा है। ये फ्रेंड्स खाना रेडी हो गया है और बेटी खाना निकाल रही है, और देखिए उसकी दोनों नंदे हैं इस समय, और बड़ी वाली नंद भी इस समय आई हुई थी, और उनकी सास हैं, सब लोग मिलके खाना तैयार कर रहे हैं। देखिए इधर इन लोगों का खाना लगा दिया गया है, अरे इन लोगों खाने दो पहले, खाना खा खाने बैठ गए, निकल जाए सब्जी भी बहुत ज़्यादा बेकार था। ये दरवाजा भेड़ नहीं, हम नहीं, अरे खाओ ना दरवाजा से, सब भेड़ा भैया उधर चमक पड़ रही है। हाँ देखिए फ्रेंड्स अब हम सभी लोग खाना खा रहे हैं,
अभी मैं नहीं खा रही हूँ, ये लोग सब खा रहे हैं। और इसके बाद ही हम लोगों ने भी खा लिया था और खाना बहुत टेस्टी बना था। आज बेटी ने स्टफ़ आलू बनाए थे और पुलाव रायता और वगैरह बहुत चीज़ें थी, लेकिन स्टफ़ आलू भी बहुत अच्छे बने थे। सभी ने बहुत मन से खाए। और देखिए मेरी थाली भी लगा के इसने रख दी थी, ये आप भी खा लो बार बार कह रही थी, लेकिन मैंने बाद में खाया था उसकी सास के साथ। अच्छा भी नहीं लगता है। और देखिए जब सब लोग साथ में खाना खाते हैं तो वैसे भी खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। और अब बेटी भी आ गई है। देखिए फ्रेंड्स अब बेटी भी खाना खा रही है और मैंने और उसकी सास ने भी खाना खा लिया था और हम लोग निकलने की तैयारी में। और देखिए उनके यहाँ फूल का पेड़ लगा हुआ था, बहुत अच्छा फूल था वो। पहले मैंने भी ला के अपने नर्सरी से लगाया था लेकिन मेरे वहाँ सूख गया था, तो जब मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेती हूँ इसमें से, क्योंकि वो ऐसे ही लग जाता है, तो मैं वही निकालने लगी थी। तो देखिए चाकू लेके आई थी नंद इनकी, और फिर मैं थोड़ा सा पौधा निकाली और ये गुस्सा कर रहे थे कि तुम हर जगह जाती हो तो तुमको पेड़ पौधे ही हर समय दिखते रहते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, जब ये लग सकता है तोड़ के तो मैं थोड़ा सा लगा दूंगी ले चल के। देखिए ये सब उधर इंतजार कर रहे हैं। हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं। क्या बेटी बाद में आएगी तो स्कूटी छोड़ दी थी वहीं पर और गाड़ी वहीं पे खड़ी थी, तो गाड़ी से ही जा रहे हैं वापसी। और उसका बेटी का सामान जो था मैंने गाड़ी में उसने रखवा दिया था, और बाद में वो लोग को कुछ और भी काम था रास्ते में तो स्कूटी से आ जाएंगे शाम तक। और अगले दिन उन लोगों को भी निकलना है अपने अपनी ड्यूटी पे। तो देखिए रास्ते में मेरे भतीजे का घर पड़ता है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ भी मिलने के लिए आ गए थे, तो बिल्कुल रास्ते में ही है। देखिए उनकी बहुत बड़ी दुकान है बाहर को ही घर में ही, और हम लोग ज़्यादा रुके भी नहीं थे, बस थोड़ी देर ही बस रुके थे और फिर हम लोग निकल लिए थे क्योंकि दुकान की भी देर हो रही थी और वहाँ से फ़ोन आ रहे थे कस्टमर थे, तो हम लोग जल्दी ही चले आए थे, बिल्कुल भी रुकना नहीं हुआ। और देखिए अब शाम का समय है ये, और बेटी और दामाद जी भी आ गए थे यहीं पर क्योंकि उनको सुबह इनको भी निकलना है ट्रेन से, तो यहाँ से पास पड़ेगा और इतनी दूर से फिर वो आ नहीं पाते इतनी सुबह, तो रात को ये लोग यहीं रुकेंगे। और देखिए नौडी अपने जीजा से कितनी सतानी कर रहे हैं, अब ये भी बहुत घुल मिल गए हैं, ये भी जान गए हैं कि जीजा जी हैं हमारे, तो अब बहुत उनसे भी खेलते हैं। और देखिए कैसे खेल कर रहे हैं नौडी उनसे। बस अब नहीं बस चलो अब जाओ, दो चाय नौडी हताश, बस अब जाओ नौडी निराश। तुम गांव आना, गांव तो वहां खिली खिली कर आएंगे ठीक। ओहो अब उनसे चालू छोड़ो, तुम हाथ गंदे करो अपने। देखिए फ्रेंड्स अब ये रात का डिनर हो रहा हम लोगों का है, और पनीर की सब्जी तो मार्केट से ऑर्डर करके मंगा ली गई थी, और मैंने भिंडी की सब्जी और रायता बनाया था, और मैं गरम गरम रोटी सेक रही हूँ और लोगों को मैंने बिठा दिया है खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। नौटी खा चुके नौटी का बहुत लगा नौटी को। नौटी तुमने खा ली, जा सो जाके। नौटी स्वाद लगा क्या खा लोगे?
अपने से क्यों दे रही हो? तुमने कितनी भूख लगा रही हो? जाओ नजरा भाई पे पत्ते में पत्ता चाटो वाले अब देखिए नॉडी भी खाना खाने लगे और सब लोगों ने खाना खा लिया था तो मैंने आज नॉडी को पनीर से रोटी खिला रही थी तो नॉडी पहले खा नहीं रहे थे और फिर जब उनको स्वाद लग गया तो नॉडी ने रोटी पनीर से ही खा ली थी आज चटनी से मैंने नहीं खिलाया था इसको आज और देखिए अब थोड़ा सा छोड़ दिया इसने पहले मन से खा रहा था अब जो है इसका पेट भर गया है ऐसे ही खाना ये खाते हैं इनको हाथ से खिलाना पड़ता है तो हम लोग हाथ से तोड़ तोड़ के ऐसे ही खिला देते हैं जी गई नॉटी जाओ जाम खा लो देखिए फ्रेंड्स अब बेटी भी जा रही है अपनी ड्यूटी पे और सुबह सुबह दामाद जी 5:30 बजे निकल गए थे उनकी ट्रेन थी और अब बेटी भी जा रही है बेटा उसको छोड़ने जा रहा है बस स्टैंड पे और सब होली हो गई बस 2-4 दिन की चांदनी थी फिर अंधेरी रात अब वही सब रूटीन चालू हो जाएगा सभी का और फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद